बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नोमान मुझे ये मौका देने का, और आप सारे आपके सोशल मीडिया में जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को चार्टर्ड मिला 2002 में, लेकिन रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी शुरू हुई 1995 में, जब हमारे फाउंडर मेजर जनरल ज़ुल्फ़िकार अली ख़ान साहब ने मेडिकल कॉलेज बनाया इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज के नाम से 1995 में। और वो उस टाइम नॉर्थ में यानी आउटसाइड कराची पहला मेडिकल कॉलेज था। उसके बाद 2002 में यूनिवर्सिटी का चार्टर्ड मिला रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और जो फिज़िकल थेरेपी है, रिहेबिलिटेशन है या अलाइड हेल्थ साइंसेज है, उसकी बुनियाद 2007 में डाली गई। और जो डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी प्रोग्राम है, ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ। और उसके साथ ये 5 ईयर्स का प्रोग्राम था। उसके बाद इसके साथ जो ऑलरेडी ग्रेजुएट्स थे 4 ईयर्स BS फिज़िकल थेरेपी के साथ क्वालिफिकेशन के साथ, उनके लिए एक 2 ईयर्स पोस्ट प्रोफेशनल डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसमें उन सब को 2 साल पढ़ा के और उनको भी डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी की डिग्री दे दी गई। बाद में हायर एजुकेशन कमीशन ने उसको इक्वल टू MPhil की जो है वो इक्वलेंस इशू की। फिर वो कुछ साल तो हमने वही ट्रांजिशन में गुजारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 4 ईयर BS थे वो करके डॉक्टर फिज़िकल थेरेपिस्ट बने। बाद में हमने अपने MS प्रोग्राम शुरू किए, जो पाकिस्तान में एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम नई एक चीज़ थी। हमने आर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी में शुरू किया, हमने न्यूरोलॉजिकल फिज़िकल थेरेपी में शुरू किया, फिर हमने कार्डियो पल्मोनरी फिज़िकल थेरेपी में शुरू किया, फिर स्पोर्ट्स फिज़िकल थेरेपी में शुरू किया, फिर हमने वेमेन हेल्थ फिज़िकल थेरेपी में शुरू किया। और लाहौर से जब लाहौर कैंपस में हमने पीडियाट्रिक फिज़िकल थेरेपी का भी प्रोग्राम शुरू किया। और इन सारे प्रोग्राम्स में जो ग्रेजुएट्स हैं वो यहाँ से एजुकेशन करके और मुल्क में जो है अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तो इस लिहाज से रिफा यूनिवर्सिटी की बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में इन द फील्ड ऑफ फिज़िकल थेरेपी का। फिर एक स्टेज ऐसा आया कि जब हमारी डिपार्टमेंट ने, कॉलेज ने बहुत ग्रो किया। इनिशियली वी वर द पार्ट ऑफ फैकल्टी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेस। बाद में जब हमने ग्रो किया तो 2017 में हमें इंडिपेंडेंट फैकल्टी का जो है यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर कर दिया। तो नाउ वी आर वर्किंग एज फैकल्टी ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड अलाइड हेल्थ साइंसेस। और फिर हमने अलाइड के प्रोग्राम्स भी एड किए, हमने न्यूट्रिशन में जो है प्रोग्राम एड किए, हमने मेडिकल लेबॉरेटरी साइंसेज में प्रोग्राम एड किए, मेडिकल इमेजिंग में किए, ऑप्टोमेट्री के प्रोग्राम शुरू किए, हमने जो है मेडिकल अल्ट्रासाउंड का प्रोग्राम शुरू किया, इसी तरह जो है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का और एनेस्थीजिया टेक्नोलॉजी का ही प्रोग्राम हमने शुरू किए। तो इस टाइम रिफा यूनिवर्सिटी में कोई 25 डिग्री प्रोग्राम्स हैं, जिसमें से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं कोई 9 जो हैं, हमारे पास MS जो है लेवल के प्रोग्राम्स हैं, कुछ हमारे पास PhD प्रोग्राम्स भी हैं। तो रिफा एक एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है, एक चार्टर्ड यूनिवर्सिटी है बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और रिहेब एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज में पायनियर यूनिवर्सिटी है प्राइवेट सेक्टर में इस मुल्क में। और इस प्लेटफॉर्म से बड़ा ग्रो किया है इन प्रोफेशंस ने। इस टाइम फिज़िकल थेरेपी में हमारे पास जो है सबसे ज़्यादा प्रोफेसर हमारे पास फिज़िकल थेरेपी में हैं, सबसे ज़्यादा PhDs हमारे पास फिज़िकल थेरेपी में है। इस वक्त हमारी जो है पूरी यूनिवर्सिटी में कोई 27,000 स्टूडेंट बॉडी है, और जिसमें से कोई 1/3 जो है वो रिहैब एंड लाइट साइंसेज में है। हमारे इस्लामाबाद, लाहौर, मलकंड, फैसलाबाद, साहिवाल में कैंपसेस हैं। और इस टाइम कोई 250-300 जो हैं वो फैकल्टी मेंबर्स हैं हमारे टोटल, और कोई जो है 9,000 हमारे स्टूडेंट बॉडी है, 25 हमारे डिग्री प्रोग्राम्स हैं। तो रिफा यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है कि जिसने जो भी प्रोग्राम शुरू किया पहले उसकी रिक्वायरमेंट पूरी की हायर एजुकेशन कमीशन से, और फिर जो है उस प्रोग्राम को शुरू किया गया। फिर हमारी रिफा के प्लेटफॉर्म से
ही जब हमने शुरू किया 2007 में, तो 2008 में हमारी जो पहली क्लास थी जो पोस्ट प्रोफेशन डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी प्रोग्राम की, तो उसमें जो स्टूडेंट्स थे और प्लस हम जो फैकल्टी मेंबर थे दो, मैं और डॉक्टर असगर साहब, तो वो 16 या 17 लोग एक क्लासरूम में उन्होंने बैठ के पाकिस्तान फिज़िकल थेरेपी एसोसिएशन की बुनियाद डाली, और डॉक्टर असगर साहब उसके फाउंडिंग जो है वो प्रेसिडेंट मुंतखब हुए, और मैं उसका फाउंडिंग जो है वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ। और उसमें हमारे पास कई लोग जो इस वक्त मुल्क में अहम अहदों पे हैं और बड़े बड़े इदारों में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, वो उसका हिस्सा थे। फिर हमने जब DPT शुरू किया रिफा के प्लेटफॉर्म से, तो हमने AGC से रुजू किया और उनको ये इस बात पे जो है कन्विंस किया कि उन्होंने नेशनल करिकुलम रिवीजन कमेटी बनाई, जिसमें हमारे डीन साहब डॉक्टर असगर साहब जो पहली कमेटी थी उसमें थे, दूसरी कमेटी में मैं भी था, फिर असगर साहब उसके कन्वीनियर थे, अब जो कमेटी है उसमें भी डॉक्टर असगर साहब जो है उसके वो मेंबर है। तो फिर पूरे मुल्क के लिए एक यूनिफॉर्म करिकुलम का जो है वो आगाज़ हुआ। इसके अलावा काउंसिल के लिए भी जितनी भी स्ट्रगल हुई है वो सारी जो है उसमें रिफा पेश था, और अभी भी मुल्क में इन डिसिप्लिन को हम ये समझते हैं कि ये इस मुल्क में रिफा यूनिवर्सिटी जो है वो जगह है कि जहाँ ना सिर्फ इन एजुकेशनल प्रोग्राम को डेवलप किया गया बल्कि इस प्रोफेशन को भी डेवलप किया गया। इस दौरान मैं दो रिसर्च जर्नल डेवलप किए, एक हमारा जो जर्नल कॉलेज ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंसेज है और JRCRS वही चीज़ रिकग्नाइज है, और वो चल रहा है पिछले जो है कोई जो है 12-13 साल से, और अभी 2 साल पहले हमने लाहौर से जो है ये जो है रिफा जर्नल ऑफ लाइडल साइंस शुरू किया है। अब वही इसी में एक्रेडिटेशन के लिए हमने अप्लाई किया और इंशाल्लाह उसका रिजल्ट आने वाला है, वो भी एक्रेडिट हो जाएगा। इसके अलावा हम 2014 से एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो हमने 2014 में किया लाहौर में, फिर 2017 में किया इस्लामाबाद में, फिर 2020 में लाहौर में किया, और फिर 2023 अक्टूबर में भी लाहौर में किया, और वो एक ह्यूज कॉन्फ्रेंस होती है और जिसमें जो है पूरी दुनिया से लोग आते हैं, मुख्तलिफ जो रिहैबिलिटेशन साइंसेज है, जो लाइडल साइंसेज है, जो फिज़िकल थेरेपी का डिसिप्लिन है, और उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, और हम रेगुलरली करते हैं। पहले हम 3 साल बाद करते थे, इस बार हमारे वाइस चांसलर साहब ने ये हमें डायरेक्टिव्स हैं कि अब 2 साल बाद किया करें। तो अब नेक्स्ट जो कॉन्फ्रेंस है वो हम 2025 में इंशाल्लाह नवंबर के फर्स्ट वीक में स्केजुअल है वो करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिफा यूनिवर्सिटी में मुझे कोई 16.5 साल हो गए हैं, और इस दौरान हमने बड़ा कंट्रीब्यूट किया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इस्लामाबाद में अपना कैंपस डेवलप किया, हमने लाहौर में अपना कैंपस डेवलप किया, और हमने जो इस टाइम मुल्क में रिफा अगर किसी ने मास्टर प्रोग्राम करना है, मास्टर प्रोग्राम में जो एडमिशन लेना है, तो उसकी फ़र्स्ट चॉइस रिफा होती है, क्योंकि रिफा में हमारे पास स्पेशलाइज्ड फैकल्टी है, रिफा में हमारे पास जो है एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम होता है, 2 साल में बच्चा जो है वो पास आउट हो जाता है, हमारे पास जो है इन प्रोग्राम्स की सारी रिक्वायरमेंट पूरी है। तो इस टाइम मुल्क में रिफा एक रिहेब एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज में एक बड़े इदारे की हैसियत से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये रोल और मजबूत होगा और एक्सपेंड होगा, और ये नेशनल कॉज है जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। हमारे प्रोफेशनल्स मुल्क में भी एक लीडरशिप रोल में हैं, जितने भी इदारे हैं इस टाइम ये जो रिहेब एंड अलाइड साइंस के प्रोग्राम्स हैं ये कम ओवेश 200 इंस्टीट्यूशंस में ऑफ़र होते हैं, और इसमें जो है जो मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशन में फैकल्टी है वो रिफा की ही एलमनाई है, और या मेजॉरिटी इदारों में जो लोग हैं इस टाइम 5 लोग तो ऐसे हैं जो डीन्स की पोजीशन पे है, बाकी बहुत सारे लोग डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल की पोजीशन पे है, बहुत सारे लोग HODs की पोजीशन पे है, और न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क के बाहर भी हमारे बच्चे अमेरिका गए, हमारे बच्चे कनाडा गए, हमारे जो है एलमनाई इंग्लैंड गए, हमारे एलुमनाई ऑस्ट्रेलिया गए, हमारे एलुमनाई जो है वो आयरलैंड गए, सऊदी अरेबिया में हमारे बहुत सारे एलुमनाई हैं, इस तरह वो GCC कंट्रीज जो UAE है, कतर है, हमारे बहुत सारे ग्रेजुएट्स वहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं। सर, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक बहुत ज़्यादा इशू हाईलाइट हुआ कि रिफा की डिग्री प्रोग्राम वो सऊदीया पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बड़ा कन्फ्यूज हो गए कि ऐसा एक्चुअल में इशू क्या है। तो इस इशू को रिफा ने फौरी तौर पर रिजॉल्व किया और स्टूडेंट्स के जो भी कंसर्न थे, जो भी इशूज़ वो फेस कर रहे थे,
उनका सोल्यूशन स्टूडेंट्स को बता दिया कि ये एक्चुअल में इशू क्या था और इसका सोल्यूशन किस तरह से होगा। तो काइंडली इस मामले में आप हमें ब्रीफली एक्सप्लेन कर दीजिए कि इशू हुआ क्या था और इसका सोल्यूशन किस तरह से निकाला गया, और स्टूडेंट्स जो इस बारे में परेशान हैं कि रिफा में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में भी उनको एक मशवरा दे दें, गाइड कर दें कि वो इस मामले में रिलैक्स रहें। रिफा यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की चार्टर्ड यूनिवर्सिटी है, जिस तरह बाकी यूनिवर्सिटियाँ हैं, और ये जनरल यूनिवर्सिटी है, और इसमें इस टाइम 27,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं। हमारे मल्टीपल कैंपसेस हैं पाकिस्तान में, और इसके अलावा कि हमारा इंटरनेशनल कैंपस यूएई में है, जहां हमारे एक डेंटल का प्रोग्राम है, और वो वहां की एक नेशनल जो स्टेट यूनिवर्सिटी है रेक रैसुल खैमा यूनिवर्सिटी, उसका जो है वो पार्ट है, और वहाँ हमारा हम कोई 12-13 साल से हमारा डेंटल कॉलेज वहाँ पर चल रहा है। इस टाइम हमारे पास जितने एमएस प्रोग्राम है सब के एनओसीज एचईसी ने इशू किए, तो हमने ये प्रोग्राम शुरू किए हैं। दूसरा ये जो पोर्टल वाला इशू था, इसमें जब ये रिपोर्ट हुआ तो शुरू में हमें समझ तो नहीं आ रहा था कि ये पोर्टल पे हम ये प्रोग्राम कैसे वो होते हैं। फिर हम ने रजिस्ट्रार ऑफिस को उसको रिपोर्ट किया, वाइस चांसलर को रिपोर्ट किया, तो इसका फिर हमने एचईसी में भी रابطہ किया, तो इसका पता नहीं चल रहा था कि ये इस पे ऐड कैसे होते हैं, ना उनका अपनी कोई गाइडलाइन थी। तो फिर हमें हमारे एक जो है एक प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर वक़ार साहब, उनके इलम में था कि हमारे कुछ ग्रेजुएट्स जो हैं वो सऊदी में हैं, उसमें से एक लड़के से उनका रब्ता हुआ और उनसे पूछा गया कि ये आप कैसे गए थे और ये प्रोग्राम जो है ये उस टाइम इस पे कैसे लिस्ट होता है, हमें गाइड करें। तो उसने हमें गाइड किया कि इसमें जब आप इंटर करते हैं कोई प्रोग्राम, तो इसमें जो अदर का ऑप्शन भी है, तो अदर के ऑप्शन पर आप जाके, फर्स्ट टाइम कोई भी स्टूडेंट जाएगा अदर के ऑप्शन पे अपना उसमें जो है जो इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स जो है वो डालेगा, तो इसके बाद फिर वो उसका प्रोग्राम वहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। तो कोई भी डिग्री प्रोग्राम फर्स्ट टाइम कोई एक स्टूडेंट जाएगा और अदर क्लिक करके उस पर जब जो है इंटर करेगा तो प्रोग्राम लिस्ट हो जाएगा, और फिर बाद में जो है जो भी स्टूडेंट जाएगा तो प्रोग्राम वहाँ पर नज़र आएगा। तो ये अभी दो दिन पहले ही हमें ये पता चला, फिर हमने फिर कोशिश की, अपने सामने मैंने जो है कई लोगों के की ट्राई की, तो इस तरीके से वो प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो गया। बाकी सोशल मीडिया के हवाले से जो पोस्ट किसी ने की, वो हमारी स्टूडेंट है और बड़ा अच्छा लड़का है, लेकिन ये कि ये यूनिवर्सिटियां तो देखे यूनिवर्सिटियां होती हैं, वो हमारी यूनिवर्सिटी की एज अब कोई 25-26 साल है, हमारी जो रिहैब एंड अलाइड की एज कोई 16-17 साल है, और ये इतनी बड़ी स्टूडेंट बॉडी है और इतनी बड़ी फैकल्टी है हमारी, देखें ये इसको क्वेश्चन कोई भी कर सकता है, आप आज़ाद शहरी हैं, आप कुछ भी सोशल मीडिया पे कह सकते हैं, लेकिन ये कि ये फिर उसको लोगों ने जो है वो गलत प्रोपेगेट किया, और कोशिश की गई कि रिफा का इमेज जो है वो ख़राब हो, लेकिन रिफा का इमेज आप लोगों को मेरी तरफ से ये जो है तसल्ली करें कि रिफा का इमेज इन छोटी छोटी चीज़ों से ख़राब नहीं होता, रिफा एक ओरिजिनल चीज़ है। जब हम रिफा में आए तो डीपीटी प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में नहीं था, और हमने शुरू किया तो रिफा ओरिजिनल है, रिफा ने फर्स्ट टाइम चीज़ें की। जब एमएस प्रोग्राम हमने शुरू किया, ये स्पेशलाइज्ड सेक्स स्पेशलिटी में किसी यूनिवर्सिटी में नहीं था, तो हमने ये प्रोग्राम शुरू किए, और ये तो रिफा तो ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल चीज़ें जो हैं कभी भी अपनी वैल्यू जो है वो उनकी ख़राब नहीं होती। तो फिर हमने रिफा ही से वो पहला इदारा था कि हमने कॉन्फ्रेंस शुरू की, तो रिफा तो एक ओरिजिनल इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने चीज़ें लोगों को देख के नहीं की, चीज़ें कॉपी नहीं की, रिफा ने हमेशा चीज़ें डेवलप की और उसको ट्रू सेंस में और क्वालिटी के साथ और डेडिकेशन के साथ उसको किया, और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि हमने अगर 2014 में कॉन्फ्रेंस की थी तो हमने 2023 में भी की है, और कोई एक साल ऐसा नहीं आया, कोई एक टाइम ऐसा नहीं आया कि 3 साल हुए और हमने कॉन्फ्रेंस नहीं की। हमारा रिसर्च जर्नल है 12-13 साल से चल रहा है, लेकिन आज तक जो है कोई एक साल ऐसा नहीं आया, कोई एक इशू ऐसा नहीं आया जो मिस हुआ हो, और हमने डेडिकेशन के साथ उस पर काम किया और उस तक पहुँचे। हमारी जो हमने लास्ट जो कॉन्फ्रेंस की वो एक रिकॉर्ड है, उसमें उसकी 2 करोड़ रुपये बजट थी, वो न सिर्फ वो बजट हमें मिला हमने जनरेट किया, बल्कि उसमें 80 हमारे पास जो है वो दूसरे स्पॉन्सर्स थे, हमारे कोलेबरेटर्स हैं थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, कोई 23 इंटरनेशनल कीनोट स्पीकर आए, कोई 100 कीनोट स्पीकर जो है वो सिर्फ जो है नेशनल लेवल के थे, और इसी तरह जो है टोटल हमने जब हिसाब लगाया तो कोई 2500 से 3000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया,
और तो आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि रिफा एक ओरिजिनल चीज़ है। रिफा में चीज़ें लोगों को देख के नहीं बनाई गई, रिफा में चीज़ें डेवलप की गई। और हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो 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 डीन साहब हैं डॉक्टर असगर साहब, वो अमेरिका से आए और उनको एक क्वालिटी इंस्टीट्यूशन का भी आइडिया था, उनको हमारे प्रोफेशन के स्टैंडर्ड्स का भी आइडिया था और उनको एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स का भी आइडिया था। उनकी सारी एजुकेशन अमेरिका से है और वो सारी स्टैंडर्ड्स हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट की। हमने जब डीबीटी का पहला बैच पूरा हुआ तो हमने रिहैब हाउस ऑफिसर प्रोग्राम शुरू किया। अब हमारे सारे कैंपसेस में जो है रिहैब हाउस ऑफिसर प्रोग्राम हमारा चल रहा है। हमारे लाहौर में हमारे पास जो है 30 से 35 सीटें हैं, हमारे पास इस्लामाबाद में जो है मे बी इससे ज़्यादा सीटें हैं, 30-35 सीट्स तो पहले थी। तो इसी तरह जो है हम फिर हमने इसको वहाँ तक रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। हम जो नया प्रोग्राम शुरू करते हैं उसमें से जो बीएस लेवल का होता है और उसमें जब बैच पास आउट होता है तो उनको हम हाउस जॉब कराते हैं, उसको इंटर्नशिप कराते हैं। वो ऑप्टोमेट्री का प्रोग्राम हो, वो न्यूट्रिशन का हो, लेबॉरेटरी साइंस का हो, मेडिकल इमेजिंग का हो, किसी भी डिसिप्लिन में जब हमारा बैच मेच्योर होता है और बैच पास आउट होता है तो उसमें से हम हाउस जॉब कराते हैं। तो रिफा के स्टैंडर्ड्स हमेशा जो हैं वो जो हैं वो हमने मेंटेन रखे हैं। और रिफा का जो मिशन है वो ये है टू डेवलप द स्टेट ऑफ द आर्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद इनकल्केशन ऑफ इस्लामिक एथिकल वैल्यूज़। तो हमने हमें अपने जो जो क्वालिटी का दामन है वो कभी हाथ से नहीं छोड़ा। हम हमेशा परसिस्टेंट रहे हैं और हम इंशाल्लाह परसिस्टेंट रहेंगे। और इस इदारे की बुनियादें बड़ी मजबूत है। अभी भी हम जो हैं इस मुल्क में, मैं समझता हूँ कि एमएस के लिए रिफा इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। रिफा में जो है स्पेशलाइज्ड फैकल्टी है, डेडिकेटेड फैकल्टी है। हमारे पास लाहौर में कम से कम 10 क्लिनिकल साइट हैं, हमारे पास इस्लामाबाद में 5 अपने हॉस्पिटल्स हैं। हमने अपने बच्चों की क्वालिटी पे कभी भी कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमने हर स्टैंडर्ड पूरी की और हर स्टैंडर्ड उनकी जो है वो पूरी की। तो और कोशिश की कि टाइम टू टाइम ये चीज़ जो है ये डेवलप हो। अभी हम ये 24th जो है जुलाई को जा रहे हैं जो है नॉर्थ में, और हमारी सारी की टीम जा रही है और हम अपने जितने प्रोग्राम के करिकुलम हैं उन सबको रिवाइज़ कर रहे हैं। और ये हम हर कुछ अर से बात करते हैं और जो HEC की रिक्वायरमेंट होती है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होती है, उसके लिहाज से उसको हम अपडेट करते हैं। तो तसल्ली रखें, रिफा एक क्वालिटी इंस्टीट्यूशन है, रिफा एक स्टूडेंट सेंटर्ड इदारा है और रिफा हमेशा अपने स्टूडेंट की मफादात का और अपने स्टूडेंट के हवाले से जिसकी जिम्मेदारी है उससे कभी गाफिल न रहा है, न है और न रहेगा इंशाल्लाह।